अस्सलाम वालेकुम वस, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के लिए फ़राह खान स्पेशल आलू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे पीले आलू बोलते हैं, मतलब इसे हम ज़ीरा आलू भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर घर में अपने इसी तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें टमाटर का यूज़ कर लेते हैं और उन्होंने बगैर टमाटर के बनाए हैं, लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कुक विद रूमा खान को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए कड़ी पत्ता लगेगा, तो हम यहाँ पर फ्रेश कड़ी पत्ता ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे मैंने घर में लगाया है, कड़ी पत्ते का झाड़। और भी बहुत सारे झाड़ मैंने लगाए थे, तो माशाल्लाह झाड़ मेरे बहुत अच्छे से सारे झाड़ उग गए हैं और अच्छी ग्रोथ उनकी हो रही है। तो यहाँ से हम कड़ी पत्ता ले लेते हैं अपने सब्ज़ी में तड़का मारने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू लिया है, आलू को छील के धो के ले लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसकी कटिंग जो है ना, हम इस तरह लंबाई में कट करेंगे। फराह खान स्पेशल है तो इसलिए आप लोगों को मैं उसी तरीके से सेम प्रोसेस में बताऊंगी। इसे लंबाई में कट करेंगे और लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतले पतले नहीं कट करेंगे। आलू हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो थोड़ा सा मोटे मोटे ही काटेंगे इसमें। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कट किया है। और अक्सर मैं इस तरीके से अपने घर में भी सब्ज़ी बनाती हूँ। कुकर में बनाती थी तो फटाफट बन जाता है उसमें। बस इसमें ये एक चीज़ का फ़र्क हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया और हम लोग टमाटर डालते थे, तो आज मैं टमाटर नहीं डालूंगी। आज मैं सेम फराह खान स्पेशल बना रही हूँ, तो इसलिए सेम मैं उसी तरीके से आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी जिस तरीके से उन्होंने बनाई है। उन्होंने टू टाइप आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रेड और येलो। तो आज मैं आप लोगों को येलो आलू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको रेड आलू की भी बताऊँगी। वो भी सिंपल सी है और वो भी फटाफट बनती है, बस उसकी उसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो आज आप रेड येलो देख लें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को रेड भी बता दूंगी मैं। ये देख सकते हैं आलू मैंने सभी कट कर लिए हैं। इस तरीके से कट करेंगे बस लंबाई में, और बस ये ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा पतले आलू नहीं कटेंगे। इन्हीं स्लाइस जो उसकी पतली नहीं होनी चाहिए। ये हमारे आलू कट के रेडी हो गए हैं, पानी में ही डाल के रखेंगे जब तक हम फिर चलते हैं इसको तड़का यानी मतलब उसका बघार लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है, आप कढ़ाई या फ्राई पैन ले लें। अब उसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, मीडियम पे रखेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें हम यहाँ पर सबसे पहले अखा ज़ीरा ऐड करेंगे, मतलब खड़ा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो आता है नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे राई, सरसों के दाने, ब्लैक वाली राई का यूज़ किया है मैंने। ज़ीरा थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया, क्योंकि आप 1 टेबल स्पून देख सकते हैं तो मेरा हाफ़ के बराबर ही है। और फिर यहाँ पे हमने जो कड़ी पत्ता यहाँ से तोड़ के लाए थे अपने गार्डन बोल सकते हैं, छोटा मोटा सा, बहुत सारे झाड़ लगा दी मैंने और मेरे झाड़ भी बहुत अच्छे लग गए थे। फिर यहाँ पे 2 हरी मिर्ची मैंने कट करके डाल दी, 20 से बस कट करके डाल दें। आप मिर्ची आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2 इतने बटाटे के हिसाब में 2 एकदम काफ़ी हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप 3-4 डाल सकते हैं, ये तेज़ वाली हैं, 2 ही ऐड करेंगे। अब राई और ज़ीरा आप देख सकते हैं एकदम चटकने लगा है, तो फिर इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आपने देखा ना एकदम सिंपल सा है और मसाले भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सारे आलू इसमें ऐड कर दूंगी मैं। फिर आलू को हम ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले तो आलू को मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, बस इसमें हल्दी और नमक जाएगा और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं हमें इसमें, सिर्फ हल्दी और नमक। ये हल्दी और नमक से बनके एकदम मज़े की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। अब इसे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/3 टेबल स्पून के बराबर। आप देखेंगे तो 1/2 टेबल स्पून से भी कम लेंगे, बस इतनी काफ़ी हो जाएगी। और फिर नमक इसमें ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया था, थोड़ा सा और मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दें। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से।
फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, मीडियम टू लो पे कर लेंगे, थोड़ा सा मीडियम से लो की तरफ इस तरीके से, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हमें इसमें पानी वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पानी का यूज़ तो करना ही नहीं हमें। अब इससे क्या करेंगे, हम लो फ्लेम कर देंगे। फिर जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फ्लेम को एकदम लो पे कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम ढककर पका लेंगे। 7 से 8 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे। आलू हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं फटाफट, और आजकल जो आलू आ रहे हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि फिर वो हमारे एकदम मैश हो जाए फिर सब। अब इसे मैं ढक दूंगी और ढक कर इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप चेक कर लें फिर से एक बार, अगर आपके आलू नहीं गले हैं तो वो भी देख लें, गल गए हैं तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक बार फिर चेक कर लूँगी, थोड़ा सा अभी हमारे आलू पूरी तरीके से नहीं गले हैं, तो अभी मैं ऊपर नीचे करके फिर से इसे ढक दूँगी। इसे एक बार चला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, देख लेंगे कि लग तो नहीं रहे ये आलू, तो इसलिए ऊपर नीचे करके फिर से हम ढक देंगे। और ढक कर मैं यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए ढकूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना नहीं है, बस इतना गलाना है आसानी से टूट जाए, हाथ से मैश करे तो हो जाए बस। तो 2 से 3 मिनट मुझे और लगे थे इसे गलाने में, आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल गए। अब इसे बहुत ज़्यादा हमें चलाना भी नहीं चम्मच, क्योंकि आलू एकदम सॉफ्ट होते हैं तो कैसे टूट जाएंगे पीस, इसकी एकदम सब टूट जाएंगी, ये देख सकते हैं गल गए हैं। तो बस अब हमें इतने ही चाहिए थे, हमारे आलू अच्छे से गल गए हैं और ज़्यादा इन्हें मैश नहीं करना है हमें, इसलिए चम्मच भी ज़्यादा नहीं चलाना है। अब इसके ऊपर एक हाफ लेमन जूस मैं डाल दूँगी इसमें, और फिर थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये हमारे फराह खान स्पेशल पीले आलू बन के रेडी हो गए हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि लेमन जूस ऐड किए हैं तो थोड़ा सा मिला लें, वो भी हल्के हाथों से मिलाएंगे, बहुत संभाल कर मिलाएंगे क्योंकि आलू को हमें तोड़ना नहीं है। फिर भी इतने अच्छे गल गए थे कि आप देख सकते हैं कई पीस जो हमारे बहुत सारे आलू थोड़ा सा टूट भी गए हैं, इतना तो फिर चलता है खैर, लेकिन संभाल कर करेंगे आप। अब इसे हम सर्व कर देते हैं, आप इसे चपाती और पूरी और पराठे के साथ खा सकते हैं। अब इसे सर्व करते हैं, ये हमारे पीले आलू बनके रेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए रेड आलू की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, और वीडियो को पूरी फुल वॉच किया करें। ये हमारे फराह खान स्पेशल पीले आलू की सब्ज़ी बनके रेडी है, आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, घंटी का जो बटन है उसे ऑल पे क्लिक कर दिया करें। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।